Hello, welcome to Ervinson Academy. We are discussing live processes, and this is the part 4 where we are going to discuss today about excretion. So what is excretion and which organs are involved in excretion? Before writing anything, I would like to give you some summary about excretion. Excretion एक ऐसा process है जिस process में हम और कोई भी ऑर्गेनिज्म, नॉट ओनली अस बट कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, सारे ऑर्गेनिजम्स अपने बॉडी में से जो वेस्ट मटेरियल बनते हैं उसको बाहर निकालता है। तो वेस्ट मटेरियल बनते कैसे हैं और वेस्ट मटेरियल आते कहाँ से हैं? तो जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है हमारी बॉडी में, उस मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, मेटाबॉलिक प्रोसेस में कुछ वेस्ट मटेरियल बन जाते हैं, लाइक यूरिया और यूरिक एसिड या इवन कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो ए वेस्ट मटेरियल। सो ये वेस्ट मटेरियल जो बनते हैं, जो हम फूड लेते हैं, उस फूड में से फूड एनर्जी के कुछ आइटम्स एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और कुछ जो है वो बच जाते हैं। प्लस ब्लड भी फूड सप्लाई करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो उस फूड सप्लाई में कुछ ऐसी चीजें होती है, सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी के काम का नहीं होता, उसको फिल्टर करके एक जगह निकालना होता है और ये वेस्ट मटेरियल कहलाता है। तो ये वेस्ट मटेरियल निकालने का जो प्रोसेस है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और इस प्रोसेस को ही हम एक्सक्रेशन कहते हैं, हिंदी में उत्सर्जन कहते हैं। एक्सक्रेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच वी रिमूव द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी। सो ऑल ऑर्गेनिजम्स हैज एक्सक्रेशन प्रोसेस। तो जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उस पर तो एक ही सेल होता है, तो वो जो भी है फूड आइटम लेते हैं वो उसको डाइजेस्ट करते हैं तुरंत ही, उसमें जो इनसॉल्युबल वेस्ट मटेरियल होता है वो उसको बॉडी सरफेस पे निकाल के और पानी में उसको मिक्स कर देते हैं। या कोई ऐसे भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो उनकी सेल एक जगह से फट जाती है, वो अब्रप्ट हो जाती है और वहां से फिर वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल देते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो कोई ऐसी स्पेसिफिक ऑर्गन्स होती नहीं है, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरह के एक्सक्रेशन ऑर्गन्स होते हैं या प्रोसेस होता है। तो कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं जो इस काम को परफॉर्म करते हैं और उस ऑर्गन को स्पेशलाइज कहा जाता है, एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स। सो ये ऑर्गन्स अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग होते हैं। ह्यूमन बींग की जहां तक बात करें तो ह्यूमन बींग में ये ऑर्गन बेसिकली किडनी है। किडनी जो है वो मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स है। इवन लंग्स इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग्स, दे रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड और हम एक्सेल करते हैं, तो ये भी होता है। लेकिन मेन जो है ब्लड को प्यूरिफाई करता है और ब्लड में से वेस्ट मटेरियल को निकालता है, वो है हमारा किडनी। तो किडनी इज ए मेन एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स। सो आइए इस पे थोड़ी बात करते हैं और वन बाय वन करके हम इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें आज बात करनी है एक्सक्रेशन की और ये टॉपिक आज हमें डिस्कस करना है, एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन आज हमें डिस्कस करना है। इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। एक्सक्रेशन एक्सक्रेशन इज ए बायोलॉजिकल लॉजिकल प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिजम्स इन विच the waste material produced during metabolic process is removed. So this is a definition. One can say that excretion is a biological process, right now, of whom? Of organisms. Means it is for all type of organisms has this excretory process
and all type of organisms has excretory process. So in every organisms, whether they are unicellular, multicellular or any type of organisms, each and every organisms has this process, and through this process they remove removal of waste material, and from here where this waste material comes from, through metabolic process during metabolic process, and that is to be removed. Okay, in unicellular organisms, excretion in unicellular organisms, they remove metabolic waste by diffusion through body surface as soon as it is produced, right? So they diffuse their waste material through body surface in surrounding water, right? In surrounding water, or sometimes they abrupt part of cell, and they remove the waste material as well. So this is what happens in unicellular organisms. But in multicellular organisms, there is a specific. In multicellular organisms, there are specialized organs for excretion of waste materials, right? For example, we are giving here some example for organizations like say planaria organisms, let right here organisms and their excretory organ. For example, from Nephridia and cockroach has Malpighian tubules. Malpighian tubules. So similarly, human being. If I am writing for human being, then main excretory organ, human beings has excretory organ is kidney, right? That is kidney. Kidney is the main organ, right? So for human being, we can write kidney. This is one of the main. This is a main excretory organ. Main excretory organ, right?
So let us discuss how this work and what is this. This is the kidney here and what happened in this kidney. This is an example. There are two kidneys. One is left kidney, another is right kidney, and that are located in lower abdomen, back abdomen of body. So kidney are, there are two kidney in human being. We can write here, just there are two kidney in human being right now, located either side in abdomen, back of abdomen, right? Either side of back of abdomen. One is called left kidney and another is called right kidney. One is left kidney and another is called right kidney. Left kidney is slightly above the right kidney. ये थोड़ा ऊपर होता है राइट किडनी से, सो दैट ये एडजस्ट हो. इसकी कोई मैकेनिकल बात नहीं है कि क्यों होता है, लेकिन ये है कि ये थोड़ा सा ऊपर होता है लेफ्ट किडनी और राइट किडनी थोड़ा नीचे होता है. एक एड्रेनल ग्लैंड होती है जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में है, और दो तरह के वीना कावा होता है. जैसा कि आपको पता है, एक सुपीरियर वीना कावा होता है, एक इंफीरियर वीना कावा होता है. सुपीरियर वीना कावा ऊपर के टॉप पार्ट ऑफ बॉडी से ब्लड को ड्रेन करके और हार्ट तक लाता है, और इंफीरियर वीना कावा लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से ड्रेन करके ब्लड को हार्ट तक लाता है. तो चूंकि ये किडनी जो है वो लो एब्डोमेन में है, इसलिए यहाँ पे इंफीरियर वीना कावा होता है. और इंफीरियर वीना कावा क्या करता है, आपको पता है कि ब्लू ब्लड ले जाता है. ब्लू ब्लड का मतलब ब्लड व्हिच हैज रिच ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो ये ब्लू ब्लड ले जा रहा है, इसलिए ये है इंफीरियर वीना कावा. और ये ब्लड कैरी कर रहा है ब्लू ब्लड, यानी ब्लड रिच विथ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये इंफीरियर वीना कावा है. इसी तरह से यहाँ पे जो ये दिख रहा है, ये आयोटा है, ये नथिंग एल्स, ये मेन आर्टरी है हमारा, जिसको हम आयोटा कहते हैं. तो ये आयोटा आर्टरी है, मेन आर्टरी है, आर्टरी, ठीक है. तो आयोटा जो है बॉडी पंप से डायरेक्ट जुड़ा होता है, और बॉडी पंप का मतलब ये हुआ कि हार्ट के लेफ्ट पार्ट से, और ये जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होता है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है. तो ये दोनों से दोनों जुड़े होते हैं, यानी इंफीरियर वीना कावा से भी अटैच्ड है, देखिए, और ये आयोटा से भी अटैच्ड है. इसी तरह से ये भी इंफीरियर वीना कावा से भी अटैच्ड है और आयोटा से भी अटैच्ड है, ताकि ये ब्लड को सप्लाई करने के बाद, ब्लड को प्यूरिफाई करने के बाद, ये मेन आर्टरी में पुश कर सके, डाल सके और सर्कुलेटरी सिस्टम में जा सके. दूसरा जो वेस्ट ब्लड है, उस ब्लस्ट ब्लड को, यानी ब्लू ब्लड जो है, उसको भी ये ले सके. तो इसका काम है ब्लड को प्यूरिफाई करना, तो इसलिए दोनों ही दोनों से जुड़ा होता है. और इसमें दो जो है, ये जो बेसिकली है, यहाँ पे आयोटा लिखा हुआ है ऑलरेडी, हमने दोबारा लिख दिया, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. और यहाँ पे जो है, ये जो ट्यूब है, इसको हम कहते हैं यूरेटर. यहाँ पे लिखा है, ये एक लेफ्ट में है और एक राइट में होता है, ये तो ये लेफ्ट यूरेटर और एक राइट यूरेटर होता है. ये इसमें से यूरिन, यहाँ जब फॉर्मेशन होती है तो यूरिन इस ट्यूबल के जरिए, ये ट्यूब होता है, मस्कुलर ट्यूब होती है, जैसे आ करके और यहाँ पर जमा होता है, ये है यूरेथ्रा. यूरेथ्रा यानी यूरिनरी ब्लाडर, पहले ब्लाडर में जमा होता है. और ये ब्लाडर जो होता है, यूरिनरी ब्लाडर, ये जब फुल हो जाता है, इस पूरी चीज सिस्टम को कहते हैं यूरेथ्रा. इसमें यूरिनरी ब्लाडर है, इस ब्लाडर में आकर के यूरिन धीरे 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 जमा होता है. जब ये बना जमा हो जाता है और ये फुल हो जाता है, तो ये चूंकि मस्कुलर ऑर्गन है, तो ये डायरेक्ट ब्रेन से कनेक्टेड होता है, तो ब्रेन को सिग्नल जाता है और उससे आपको पता चलता है, या किसी बॉडी को पता चलता है कि अभी हमें अर्ज हो रही है टू रिलीज देम. और ये रिलीज करने के लिए, यूरेथ्रा से यूरिन रिलीज करने के लिए ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा होती है, जिसके जरिए यूरिन को रिलीज किया जाता है.
तो यूरिन में क्या क्या होता है? यूरिन में यूरिक एसिड होता है और कुछ वेस्ट मटेरियल होते हैं, लाइक नाइट्रोजन हो सकता है इसमें, इसमें शुगर भी हो सकता है, लेकिन शुगर होना खतरनाक है, खराब है, ठीक है ना। यूरिक एसिड होता है बेसिक, इसमें दैट इज नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। इसका मतलब हुआ कि यूरिया है, यूरिक एसिड है एंड अमोनियकल साल्ट होता है, जिसकी वजह से यूरिन का कलर जो है येलोइश होता है। तो ये इस तरह से पूरा का पूरा जो यूरिन फॉर्मेशन होता है, उसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे कि कैसे यूरिन फॉर्मेशन होता है। ये यूरिन फॉर्मेशन होता है और इस यूरेटर के जरिए, दोनों यूरेटर के जरिए आ करके और यहाँ पर यूरेथ्रा में, यूरिन ब्लाडर में जमा होता है। और यूरिन ब्लाडर में जब ये जमा होता है, तो जमा होने के बाद जब एक अमाउंट हो जाती है, एक सफिशियंट अमाउंट हो जाती है, तब ये यूरेथ्रा जो है वो ये सिग्नल देता है। और सिग्नल देता है, इसकी मस्कुलर ऑर्गन है तो ये ब्रेन से कनेक्टेड है, ये ब्रेन को एक सिग्नल देता है और इससे अर्ज पता चलती है कि हमें क्या करना है, हमें यूरिन रिलीज करना है। और यूरिन रिलीज करने के लिए जो अर्ज होती है, उसके आधार पे फिर आप यूरिनेट के लिए जाते हैं। और जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस के जरिए ये ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा ओपन होता है और यूरिन को डिस्चार्ज किया जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं यूरिनेशन। क्या कहते हैं? यूरिनेशन। तो बेसिकली आप इसमें तीन चार चीजें हैं, एक तो एरोटा यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यही मेन आर्टरीज है, ये दोनों लेफ्ट और राइट किडनी से अटैच होता है। और ये जो है ये पूरी तरह से ब्लड में जितने भी है, सॉल्ट है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, एमिनो एसिड है, इन सब को इस किडनी क्या करता है, इसको फिल्टर करता है। सुपर फिल्ट्रेशन होती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कह सकते हैं। सो द वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल लाइक वेस्ट मटेरियल, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल, यू कैन से नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल, नाइट्रोजनस, नाइट्रोजेनस वेस्ट मटेरियल, सॉरी लेट मी राइट द करेक्ट सेंटेंस, द नाइट्रोजनस, नाइट्रोजेनस वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल लाइक यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिकल, अमोनिकल साल्ट, साल्ट इज रिमूव फ्रॉम ब्लड बाय इच किडनी एंड सेंट डाउन, सेंट डाउन टू द यूरिनरी, यूरिनरी ब्लाडर, ब्लाडर टू यूरेटर, यूरेटर राइट ना। द फेनोमेना ऑफ, फेनोमेनन, फेनोमेनन ऑफ डिस्चार्ज ऑफ यूरिन, डिस्चार्ज ऑफ यूरिन, यूरिन इज कॉल्ड यूरिनेशन, इज कॉल्ड यूरिनेशन, यूरिनेशन राइट ना, यूरिनेशन, आई होप यू गॉट इट, इज कॉल्ड यूरिनेशन, आई होप यू गॉट इट। सो दीज आर अमोनिकल साल्ट्स विच responsible for yellowish color of urine. Otherwise, if the salt is not present, then urine will be totally white. But there is hardly a white color of urine. There is slightly yellowish color, and because some ammonical salt is present in urine. So this is what the kidney do for excretion of waste material in human being, and these are few examples which have been given for other organisms, how this other organisms has crystallized excretory organs, like planaria has
planaria has plain cells, right? And similarly, earthworms has nephridia. This is the excretory organ known as. Similarly, if there is a cockroach, then cockroach has multigen tubules through which they absorb. Human beings through kidney. Everybody knows. Then this is the main excretory organs. So I hope you got this point. Okay. Let us see the actual kidney anatomy, so that let us understand the actual anatomy of kidney, what kidney is exactly inside. So as we had discussed earlier, that kidney is a red, brown red. This is a brown red sept. One kidney is there, and just anatomy of each kidney. It is a brown, reddish brown kidney is, I can say, it is a reddish brown bean shaped bean, similar like it is a reddish brown, right, bean shaped, a structure, left kidney is, left kidney is little higher than right kidney, right ना? सो आइए समझते हैं कि इसके अंदर होता क्या है. इसके अंदर बेसिकली एक फाइबरस कैप्सूल होता है. ये देखिए, ये फाइबरस कैप्सूल होते हैं, ये फाइबरस कैप्सूल होते हैं, और ये कैप्सूल्स जो बनाते हैं फाइबरस कैप्सूल. अभी आपको ये दिखा दिया कि ये स्ट्रक्चर है सारे, अभी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है क्लास टेंथ में. और ये आपको जैसे पता चल गया कि ये ब्लू वाला जो है ये रेनल वेन्स है, और इसी तरह से ये रेड वाला जो है ये रेनल आर्टरीज है, ये रेनल आर्टरीज है जिससे जो जाकर एरोटा से मिलता है, और ये रेनल पेल्विस है जहाँ से ये यूरिन, यहाँ से पूरा का पूरा रेनल पेल्विस कहलाता है, और यहाँ से ये यूरेटर निकल के आता है. हर एक किडनी से एक यूरेटर होता है, एक ट्यूब होती है जो जाकर के और यूरिनरी ब्लाडर में मिलता है, तो जाकर के ज्वाइन होता है जहाँ पे यूरिन जमा होता है. इसी तरह से ये फाइबरस कैप्सूल्स हैं ये सारे, और ये लगभग 18 होते हैं, 3, 4, 5, 18 होते हैं, और इन 7 वाले को रेनल पिरामिड्स कहते हैं. ये अलग अलग आदमी में अलग अलग तरह के भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये 7 से 18 के बीच को रेनल मेडुला कहा जाता है, और ये रेनल मेडुला कहलाता है, इसलिए ये मेडुला है. ये कप टाइप का जो शेप दिख रहा है, ये फाइबरस स्ट्रक्चर का ये सारा बना हुआ है, फाइबरस स्ट्रक्चर का बना है, इसको बोमैन कैप्सूल भी कहते हैं, ठीक है ना. और ये कप में, इसी में फिल्टर होता है, इसमें फिल्टर होता है इस फाइबरस से, और ये फिल्टर होकर के इस कप शेप में जमा होता है, और जमा होकर के फिर इस के जरिए ये जो माइनर काइलेक्स है जो यहाँ पे ज्वाइंट है, और मेजर काइलेक्स है जो यहाँ पे ज्वाइंट है, ये सब जो सब माइनर मिल करके तीन, जैसे यहाँ तीन माइनर मिलकर मेजर बनाया, यहाँ तीन माइनर मिलकर मेजर बनाया, इसी तरह से ये सब मिल करके एक मेजर बनाते हैं, और सब जा करके फिर फाइनली यूरेटर से ज्वाइन होता है जहाँ पे यूरिन बनता है. तो इसमें हम डिटेल में बात करेंगे अगली क्लास में कि कैसे यूरिन फॉर्म होता है, और उस समय इसमें और डिटेल बात होगी. रेनल आर्टरीज, कैरीज क्लीन ब्लड, टू द किडनी, while renal veins carries out dirty blood, carries out dirty blood from the kidney, right? From the kidney.
फ्रॉम द किडनी। आपको पहले ही से पता है कि वेन्स जो है वो आउट होता है और यहाँ पे आर्टरी जो है ये किडनी में ब्लड को लाता है, क्लीन ब्लड, और ये जो है डर्टी ब्लड को इससे बाहर निकालता है। तो इससे बाहर निकालता है, ये रेनल वेन्स होते हैं, और जो किडनी में ब्लड, अच्छी ब्लड आती है उसको, जो प्योर ब्लड होता है, जो प्यूरिफाइड ब्लड होता है, वो रेनल आर्टरीज के जरिए किडनी को आता है। तो ये सारी बातें हैं किडनी एनाटॉमी में, ज्यादा डिटेल्स अभी जानने की इतनी जरूरत नहीं है। लेकिन इन सब काम के लिए एक ऑर्गन स्पेशलाइज्ड है जिसको हम कहते हैं नेफ्रॉन। तो ये नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। नेफ्रॉन, इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन इज, इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यूनिट ऑफ किडनी, राइट ना, किडनी। ब्लड एट हाई प्रेशर, ब्लड एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, प्रेशर ट्रेवल थ्रू दीज ट्यूबल्स, ट्रेवल्स थ्रू, ट्रेवल्स इनटू दीज ट्यूबल्स, ट्रेवल्स इनटू ट्यूबल्स, इनटू ट्यूबल्स बाय ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस, मेरुलस सराउंडेड बाय, सराउंडेड बाय कप लाइक कैप्सूल कॉल्ड बोमैन कैप्सूल, बोमैन्स कैप्सूल। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, नाउ द टॉपिक इज फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, द अल्ट्रा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन अकर्स इन ग्लो मेरुलस फोर्स्ड मेनी ऑफ द सब्सटेंस, द सब्सटेंस डिजोल्व इन ब्लड, डिजोल्व इन ब्लड टू थीन कैपिलरी वॉल्स, कैपिलरी वॉल्स इनटू बोमैन कैप्सूल, इनटू बोमैन, बोमैन्स कैप्सूल, कैप्सूल, राइट ना, बोमैन्स कैप्सूल। देन ब्लड पासेज थ्रू, देन ब्लड पासेज थ्रू, थ्रू ट्यूबुलर, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन पासेज थ्रू ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन वेयर द इम्पोर्टेंट सब्सटेंस, इम्पोर्टेंट सब्सटेंस लाइक एमिनो एसिड, लाइक एमिनो एसिड, फैट्स एंड
fats, glucose, and major part of water is reabsorbed, and the rest of them are flow through ureter. So this is a branch of renal artery which carry good blood, and renal veins that carry out what? The dirty blood. This is what I say, that this carry out and this is carry in, you know. So renal branch of renal artery carry good blood, and this branch of renal vein carry out the dirty blood from this. And this one, we observe the amount of water absorb depends upon the amount of water excess. यानि ज्यादा पानी पीते हैं अगर आपने तो आपको ज्यादा वाटर रिलीज होगा और ज्यादा यूरिनेट करने का मन करेगा और अर्ज होगी और जल्दी जल्दी जाएंगे. और अगर कम पानी पीते हैं तो कम होगा. जिन लोगों की किडनी खराब हो जाती है उनको कम वाटर पीने की सलाह दी जाती है ताकि किडनी पे जो प्यूरिफिकेशन का काम है वो कम से कम लोड पड़े. तो ग्लोमेरुलस और ब्रोनियन कैप्सूल्स, ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है, ये इसको हम बोमैन कैप्सूल कहते हैं. और दोनों को मिला के मालपिगियन बॉडी, और इस बोमैन कैप्सूल को मालपिगियन कैप्सूल भी कहते हैं. तो ये मालपिगियन बॉडी है पूरी की पूरी, इसको हम ये कह सकते हैं कि ये है मालपिगियन बॉडी, राइट. तो ये मालपिगियन बॉडी, राइट ना. तो इस तरीके से ये पूरा नेफ्रॉन जो है ये ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसी में ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता रहता है इस तरह से. और ब्लड सर्कुलेट होता है और जो वेस्ट ब्लड होता है वो इधर से बाहर हो जाता है, और जो गुड ब्लड होता है इधर चला जाता है, और तीसरा जो एक्सेस ऑफ वाटर होता है जिसमें यूरिक एसिड, यूरिया, एमोनिकल साल्ट होता है, वो सब इस येलो ट्यूब में दिखा रहा है, वो सब जाता है और जा करके ये कहाँ जमा हो जाता है, यूरेटर के पास से रिलीज होकर के और यूरिनरी ब्लाडर में जमा हो जाता है. तो ये सारी प्रोसेस जो है वो नेफ्रॉन का, ये नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर है जो इस तरह का दिखाया गया है कि इस तरह का एक ट्यूब होता है, ठीक है ना. तो ये कलेक्टिंग ट्यूब्स है, ये हर एक ट्यूब्स में देखिए, यहाँ पे हर एक ट्यूब में यहाँ पे जहां तहां ये आगे कनेक्शन होती है, ब्रांच होती है, और ये सब कलेक्टिंग ट्यूबल्स है, ये सब कलेक्ट करते हैं. और यहाँ से असेंडिंग होती है, असेंडिंग लिम्स ऑफ लूप कैनल ओपनिंग टू ऑफ अदर नेफ्रॉन, ठीक है ना. ये सब है, यहाँ से दूसरा नेफ्रॉन होगा, यहाँ से दूसरा नेफ्रॉन होगा, यहाँ से कलेक्शन होगी. तो कलेक्शन और ओपनिंग दोनों, कलेक्शन जो होती है वो इस नेफ्रॉन के जरिए होती है, और यहाँ से ये आता है, इसके बाद इस ग्लोमेरुलस में जमा होता है, ब्रोमियन कैप्सूल में वहां छन जाता है, फिल्ट्रेशन होती है. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद जो उसमें से वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर, वेस्ट ब्लड होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, जो डर्टी ब्लड होता है वो वेन से, रेनल वेन से बाहर हो जाता है, जो अच्छा गुड ब्लड होता है वो किडनी के जरिए होकर ट्रांसफर होता है, और जो इसमें वेस्ट मटेरियल होता है यूरिनेट के रूप में वो यूरेटर के जरिए यूरिनरी ब्लाडर में ट्रांसफर हो जाता है. तो ये सारी प्रोसेस होती है. और जैसे मैंने कहा कि जब ये बहुत ब्लाडर जो है फुल हो जाता है, तो चूंकि मस्कुलर ऑर्गन होता है तो वो एक ब्रेन को सिग्नल देता है, और ब्रेन को सिग्नल देता है जिस सिग्नल से हमें एक अर्ज महसूस होती है कि हमें यूरिनेट करना है. आइए समझते हैं कि किडनी के फंक्शन क्या क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी. सो फंक्शन ऑफ किडनी ये हम जानने की कोशिश करते हैं. मेन तीन फंक्शन है किडनी के जिसके बारे में हम बात करेंगे. पहला फंक्शन है रिमूविंग एक्सेस वाटर एंड नाइट्रोजनस
wasps like urea, uric acid, etc., ammonical salt, right na, etc., from blood as urine, from blood as urine. Second point is that कि किडनी का काम होता है मेंटेनिंग मेंटेनेंस मेंटेनिंग द कॉन्स्टेंट कॉन्सेंट्रेशन द कॉन्स्टेंट कॉन्सेंट्रेशन द कॉन्स्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा प्लाज्मा राइट ना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा एंड द थर्ड वन इज ए रेगुलेटिंग पीएच ऑफ द ब्लड ए रेगुलेटिंग पीएच ऑफ द ब्लड ऑफ द ब्लड पीएच ऑफ द ब्लड तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो किडनी का आता है. ये तीन मेन फंक्शंस हैं जो किडनी के बारे में है और ये इस तरह से रिमूविंग एक्सेस रिमूविंग वर्ड थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है लिख देता हूं इसको दोबारा रिमूविंग एक्सेस वाटर एंड नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सेस वाटर एंड नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया यूरिक एसिड एंड अमोनिकल साल्ट्स एक्सेट्रा from blood as urine, you know, this is what. Next stage, maintaining the constant concentration of blood plasma. Blood plasma is very important. Plasma is also a liquid. So blood plasma fluid, so it contains proteins as well. So blood plasma, constant concentration of blood plasma. And the third job of this stage, regulating the pH of the blood. रेगुलेटिंग पी एच यू नो द पी एच होता है जिससे हमें पता चलता है कि किसी भी सब्सटेंस का कि वो एसिड है कि बेस है. तो जो पी एच है ब्लड का भी पी एच होता है उस पी एच को मेंटेन करने के लिए ब्लड में और ये रेगुलेट करता है. ब्लड जो होता है वो स्लाइटली जो होता है बेसिक नेचर का होता है इसलिए इसका जो पी एच होता है पी एच ऑफ ब्लड इज पी एच ऑफ ब्लड is between 7.35 to 7.45 and normal you can say is at around 7.40. so this is a normal pH of the blood. so it is maintaining pH maintaining in 7.40 approx. so anywhere between 7.35 to 7.45 is the normal pH of blood between these two. so I hope you got it right now and you understood each and every aspect of this human excretion system. And now in next lecture we will discuss about the excretion in plants. And till then God bless you, keep watching this video, and after the break we will discuss the excretion in plants. Thank you very much.